दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी महिला की प्रवक्ता ने दिल्ली पुलिस में सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली जिले की साइबर क्राइम यूनिट ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनका नाम गलत जानकारी के साथ अश्लीलता परोसने वाली वेबसाइट पर डाला गया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की एक महिला प्रवक्ता का नाम अश्लीलता परोसने वाली वेबसाइट पर डालकर उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। वेबसाइट पर कुछ अश्लील वीडियो भी डाले गए हैं जिन्हें उनका बताकर लोगों से देखने के लिए कहा जा रहा है। मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में इस मामले में शिकायत दी है। पुलिस ने मामले में शिकायत मिलने के बाद आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये महिला बीजेपी की प्रवक्ता हैं और दिल्ली में जिस तरीके से इनके खुद का वीडियो जारी भी किया है, उन्होंने खुद इस वीडियो में बताया भी है मीडिया से बात करते हुए कि किस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरसो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ताजातरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। आरसो न्यूज के लिए नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। हमेशा सच कड़वा लगता है, लोगों को बुरा लगता है और वो उस पर रिएक्ट करते हैं, बट इतनी गंदी तरह रिएक्ट करेंगे ये मैंने सोचा नहीं था। जब उनको उनके पास कोई जवाब नहीं हुआ तो बीइंग अ फीमेल मुझे टारगेट किया गया, स्पेशली टारगेट किया गया मेरी आवाज को बंद कराने के लिए। लेकिन जिन्होंने ये भी कोशिश और ये बेहुदा कोशिश की है वो कान खोल के सुन लें, मेरी आवाज जितनी दबाओगे उतनी उभर के बाहर आएगी। आप मेरी आवाज दबा नहीं सकते, आप जितना कोशिश करोगे कि चुप रहे, नहीं बोले ऐसे वर्ड्स, नहीं बोले जो हमारी पोले हैं वो नहीं खोले, तो ऐसा नहीं है। मैं हमेशा टीवी पे आऊंगी और आपकी पोले खोलूंगी, चाहे वो कोई भी हो। मुझे नहीं पता ये काम रेडिकल्स का है या किन लोगों का है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे टारगेट करके जान के ऐसा यूआरएल गूगल पे बनाया है कि उस यूआरएल को टाइप करते साथ ही जैसे कोई नेहा शालिनी दुआ टाइप करे तो उस यूआरएल में ऐसा कंटेंट दिया है, जानबूझ के ऐसा कंटेंट दिया है ताकि शर्मिंदा हो और फिर अपनी जुबान बंद रखे। लेकिन मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूं, ये आप भूल जाओ। जहां मैं सही हूं तो सही हूं, कोई मुझे चुप नहीं करा सकता। जहां आप गलत हो आपको गलत साबित करने की जितनी आवाज मेरी दबाओगे उतनी निकल के बाहर आएगी। आज मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे रेडिकल्स के खिलाफ मैंने एफआईआर, मेरी पार्टी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी।